पान का अमल है। तब छोड़ दिए, दांत आपका लाल हो रहा है। अरे हम कौन कार बताए, हम करवे नहीं भाई। तो कह रहे हैं काजल निषाद को जानते हैं? काजल निषाद हमारी कास्ट की है, उनको तो वोट देना एकदम 100%। ओके ओके है, उन्हें जीतना है। किशन भैया कहाँ आए बड़े धक्के के झकले बा? क्यों देख लेना एक बार? क्यों ना देख ले बा? तो कोई नहीं देखा है तो काजल निषाद जीत जाएंगे। आपकी उनके वोट दिया है हमें का सकल ना देखल बरे पीछे। पढ़ा लिखा लड़की है वो काजल निषाद, बहुत ज्यादा अच्छा नेता, बहुत अच्छा नेता, जैसे आपके तरह है वैसे वो भी है। उन अचनिया पदनिया है ना, हाँ उसके पैसा कमी नहीं है उसके, उसी के रवि किशन को। कभी दिल्ली में रहेंगे, कभी बम्बई में पिक्चर बनवाएंगे, कहाँ आते हैं क्षेत्र में। चाचा काजल निषाद भी तो टीवी वाली है। एकदम सीधे सीधे बाबा बेईमानी किए थे, बेईमानी कर, हाँ एकदम सीधे। योगी जी का गढ़ है, है। तो योगी जी जीतेंगे कि और कोई जीते? पैसा देखा तो चाचा कौन की बात बता रहे हैं आप? अरे कांग्रेस का सरकार भैया का, सोचिए सोचिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के गिने चुने दिन बच गए हैं, 10 दिन मात्र बचे हैं और देश में चुनावों का माहौल जो है वो काफ़ी तेज़ी से टूल पकड़ रहा है। क्या पक्ष क्या विपक्ष सब अपने आप को श्रेष्ठ नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक छोटे से इलाके में हैं और यहाँ जानने और समझने आए हैं कि इस बार चुनाव में माहौल क्या है। एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है, नवरात्रि की अपनी एक तैयारी चल रही है। तो भैया बड़ी देर से आप देख रहे हैं, बताइए क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल ठीक ठाक है। किस तरफ बयार है? भाजपा का है। भाजपा का जी। लोग कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई हो गई, बाप रे बाप, इतनी महंगाई तो कभी देखे ही नहीं। मान लीजिए महंगाई तो होबा करेगा, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई तो है ही है। कोई पैदा नहीं करना चाहता है, खेती बाड़ी करना नहीं चाहता है, तो महंगाई तो है ही है। आमदनी आपकी दुगनी हुई कि नहीं? आपका एक छोटा सा दुकान तो एकदम समझ लीजिए बैठ गया है, कहाँ से बताया जाए। आमदनी तो बैठा हुआ है, आमदनी तो इस समय माहौल तो खराब है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से स्थितियाँ खराब हैं। लेकिन सरकार ये कह रही थी कि हवाई चप्पल वाले को इतना काबिल बनाएंगे कि वो हवाई जहाज से उड़ेगा। ऐसा किया कि हवाई जहाज से गिरा के नीचे कर दिया। हाँ। तो इतना कष्ट है फिर भी आप कैसे कह रहे हैं भाजपा लहर है? भाजपा लहर है, मान लीजिए मोदी जी हैं तो भाजपा लहर है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये है। बाकी अपने दिल में जितनी भी पीड़ा हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, रोजगार ना हो, वो सब दूसरा मुद्दा है। तो दूसरा मुद्दा है, क्या अच्छा, कर सकते हैं। रवि किशन जी कैसे लगते हैं, उनके अच्छे काम है? काम उनका अच्छे हैं। हाँ, उनका काम बता दीजिए थोड़ा, दो चार काम ठीक है। जनता को बताइए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कौन सा इतना बेहतर काम किया कि दोबारा से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और वो जीतेंगे। रवि किशन का काम बताइए अपने क्षेत्र में, उन्होंने काम में रोड है, बिजली है, पानी है, सुचारू रूप से व्यवस्था है। रवि किशन के आने के बाद 5 साल में हुआ? नहीं नहीं, सबके ये योगी जी के काल से है। तो रवि किशन का बताइए कुछ काम। तो अभी तो कुछ दिखाई नहीं दिया हमें, नहीं दिखाई दिया जो है योगी जी का है। भाजपा लहर में आपको रवि किशन का काम नहीं? नहीं अभी तो नहीं दिखा। हाँ चाची आप क्या देख रही हैं बताइए? क्या बताई, क्या बताई? के देबू वोट, के देबू वोट। अरे भाई हम दिनेश कान में बता दीजिए किसको देंगी? के देवनाथ और के जे उठते हैं, यहाँ बहुत जनी उठल बाट है। अच्छा पान खाटू का भाई, यहाँ के घर पर एक अमल है। हाँ पान का अमल है। हाँ ये कही अमल है दिन भर। अरे एक बीड़ा दिन भर में कितना? ये एक बीड़ा कितने का मिलता है? 6 रुपया। तब छोड़ दिए, दांत आपका लाल हो रहा है। नहीं छूट रहा है? नहीं छूट रहा है, कब से खा रही हैं? तो कितना मतलब पहले कितने मिलता था, अब कितने मिल रहा है? 5 रुपये। 1 रुपया बढ़ गया। पनों में भी महंगाई आ गया। नहीं अच्छा मोदी जी को जानती हैं? अरे दादा दुनिया जानता तो हम नहीं जानते। हाँ तो वो अच्छे लगते हैं कि राहुल गांधी अच्छे लगते हैं कि मायावती अच्छी लगती हैं कि अखिलेश अच्छे लगते हैं? अच्छा कौन लगता है आपको नेता के रूप में? अजय अच्छा लगे वो के देव। तो वो पूछे थे के नीक लगेला? पान कैसे थूक देंगी भाई, 6 रुपया का है, बड़ी महंगाई है ना। चाची ये लेके जा रही है किसका? अरे क्यों क्यों थे ना आई बहू जाना कि जाते तो हम पूछे थे के पारी वोटवा दियाई, किसको देंगे आप लोग वोट?
के दिया जाए जहाँ जनता देता हमनो देवे। तो जनता किस तरफ है बताइए। अब हम के बता दे चाहे आप किस तरफ है ये बताइए। अरे मोदी सुनल जा था देवे हुआ ये कहा था सब जनता कहा था वे। तो मोदी जी कौन सा काम बढ़िया लग रहा है जल्दी से फटाफट बताइए। अरे अब हम कौन कार बताए हमन के कोनो करवे नहीं भइल बा। हां तो कौन हम कार बताई। हां तो करवे नहीं भइल बा तब्बू काहे ओई देवे भाई बतावा तब। अब जहां जनता दे बानी तहां दीहल जाई। हां चाहे कोई लाभ हो चाहे ना। हां चाहे होखे चाहे ना। भाई का होई हसुआ। अरे जाते हम उठी कारे का बचा के कहीं मार नहीं खत्म हो जाए। लेट होता हमके ना। तो चलिए तो हम भी तो चल ही रहे हैं आपके साथ बाजार करे आए लोग का। हाँ देखिए नवरात्रि की तैयारी हो रही है। और आप बताइए भैया एक तरफ कान में फोन और एक तरफ हेलमेट ये बताइए किसका माहौल है इस बार। मोदी जी का माहौल है ना। मोदी का है। मोदी का है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे काजल निषाद बढ़िया प्रचार कर रही है जनता के बीच में विश्वास आ रहा है। अब इसके बारे में मेरे को नहीं पता। मोदी लहर है। मोदी रवि किशन को जानते हैं। हाँ रवि किशन को तो जानते हैं। बताइए उनका काम बताइए। वो काम तो अभी ठीक है किए थे जो भी तो बताइए रवि किशन का काम बताइए। देखिए चाची खुद भी बात नहीं कर रही है और भैया को भी लेके जा रही है। एक छोटा सा बाजार लगा हुआ है भैया ये बताइए कि 5 साल में गोरखपुर में कितना विकास देखे हैं। तो बहुत विकास हुआ है। तो बताइए 5 काम बताइए जल्दी से। 5 काम आपके क्षेत्र में कौन सा बढ़िया 5 काम हुआ है। 5 काम अरे ये है कि मान के चलिए योगी जी जो थे। हाँ मतलब ये नहीं है भी अभी योगी जी हैं ठीक है लेकिन काम तो बहुत बढ़िया किए हैं। बताइए वही तो पूछ रहे काम। हम भी गोरखपुर के उनके मंदिर के बगल में मेरा गांव है लच्छीपुर है वहाँ के नागरिक हैं हम भी लेकिन बहुत बढ़िया काम किए हैं इन समय। तो कमुआ तो बताइए बस एक ही लाइन रट रहे काम किए काम किए काम किए वही तो पूछ रहे हैं क्या किए। इतना भी सुविधा भी दे दिया ना वो। कौन सा मतलब, कौन सा सुविधा। मतलब मान के चलिए यहाँ रोड भी बनवा दिए हैं फिर ये तो लेडीज के लिए भी कुछ भी काम किए फिर घर के लिए भी काम किए हैं। लेडीज के लिए क्या किए। लेडीज के लिए अब मार्ग उन्हीं के नाम से हर काम चल रहा है ना हम लोग के मतलब कुछ है ही है नहीं। आप लोग कुछ नहीं महिलाओं को ज्यादा प्रमोट। हाँ सही बात है योगी जी महिलाओं पे ज्यादा काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो इससे पुलिस बिरादरी जो है वो थोड़ा नाराज है क्या। नहीं कह रहे महिलाओं को हर जगह आगे कर दे रहे हैं। नहीं अच्छा काम किया इसी बात है मान के चलिए औरत के मतलब औरत जो भी करती है अच्छी करती है कोई गलत नहीं करती है काम लेकिन आदमी जो होते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं झगड़ा करे। भैया दिख रहे हैं भैया वोट वोट डालने वाला एज हो गया है कि नहीं आपका। हाँ मैम हो गया है। फर्स्ट टाइम वोटर होंगे क्या। पहले भी डाल चुके हैं चुनाव। पहले डाल चुके हैं 25 साल लगभग एज है मेरा। अच्छा तो ये बताइए कि एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो युवाओं के लिए क्या कर रही है बेहतर कर रही है कि नहीं कर रही है। बेहतर की बात करें तो इससे बेहतर भी तो कोई नहीं है जो भाजपा है आखिर में इससे बेहतर कोई दिख तो रहा दिख नहीं रहा है हमको। आप ही देखिए और आपका चैनल हम लगभग 5 साल से देखते हैं। आप जब आप शुरू में आपका चैनल बना था लगभग 20,000 सब्सक्राइबर उसमें थे आपके तो हम उसमें पढ़ाई भी कर देते आपका चैनल पर से देखते थे अच्छा लगता था। बहुत धन्यवाद आपका। अब बताइए कि जैसे योगी जी और बीजेपी पे ये आरोप लगता है कि युवाओं के हक की नौकरी नहीं दे रही है नौकरियां बहुत कम हैं रोजगार के साधन उतने उपलब्ध नहीं हैं महंगाई हो गई है पढ़ाई के लिए उतनी सुविधाएं नहीं है इस आरोप को कैसे देखते हैं। और मैम रही बात बेरोजगारी का तो वो तो अपने टैलेंट पे मिलेगा अगर हम फाइट करेंगे तो हमको मिलेगा। हमारे अंदर टैलेंट लीक हो जाता है इस तरीके का आरोप है वो तो मैम जो मीडियम में जो भी चीज़ें हैं मतलब सब तो सरकार अकेले कर नहीं रही है उसका भी एक रेफरेंस डाला है कि ये चीज़ ये करना है इनको करना है तो वो तो जो घोटाले वगैरह है थोड़ा बीच में तो हो ही रहे हैं ठीक है बट सरकार भी काम कर रही है अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। तो युवा होने के नाते आपको लगता है कि बीजेपी जो है वो यूथ का भरोसा हासिल करेगी इस बार। हम अब तो हम किसी पार्टी को हम अच्छा बुरा कह नहीं सकते हैं तो आपको लग रहा है ना कि बीजेपी जो है वो युवा के दिल में जगह बना रही है ना। दिल में जगह भी है नहीं भी है सबके दिल में नहीं। भैया तेलवा सस्ता हो गया है क्या इतना बाइक स्टार्ट करके आप छोड़े हुए हैं कितने रुपए लीटर है भाई। तेल 97 रुपए लीटर है। तो
जलता नहीं है क्या बाइक चला? कितना जल जाएगा? ज्यादा नहीं जलेगा, कितना जली जाएगा? कितना जली जाएगा, सही बात। ये बताइए लहर किसकी है? मोदी जी का लहर है। और मोदी जी का लोग कह रहे हैं काजल निषाद को जानते हैं? काजल निषाद हमारी कास्ट की है, उनको तो वोट देना एकदम 100% है। मोदी जी का लहर है, वोट देंगे आप काजल? नहीं तो देखिए जैसे सांसद जो है रवि किशन जी हैं, हाँ। इस साल काजल निषाद जी इस बार काजल बनेंगी। हाँ। क्यों क्यों नहीं बनेंगी? पूछ रही क्यों बनेंगी आप? बनेंगी क्या? बढ़िया लगता है काजल निषाद में? काजल निषाद सबके पास जाती हैं, सबको। रवि किशन नहीं आए ग्राउंड? वो कहाँ आते हैं, किसके पास गए? कभी नहीं आए। सर रवि किशन क्षेत्र में नहीं दिखते ये बता रहे हैं? दिखते हैं, फोर व्हीलर से आते हैं, किसी का हाल चाल नहीं पूछते ना, कहीं रुकते हैं, जब काम पड़ता है तो हाथ जोड़ के चले जाते हैं। और काजल निषाद घर घर तो घर घर जाती हैं काजल निषाद? हाँ हर घर जाती हैं। तो इस बार क्या लग रहा है गोरखपुर से बाजी मार ले जाएंगी काजल निषाद? काजल निषाद जीतेंगी, अगली बार तो गलती हो गया लेकिन जीती थी उस समय भी, अगले साल इस समय लेकिन 100% जीतेंगी। काजल निषाद का ये कहना था कि कुछ वोट की धांधली हुई थी इसलिए वो हार गई। हाँ सही बात, सही। तो इस बार नहीं होगी धांधली? नहीं नहीं नहीं, हर बार थोड़ी धांधली करना, इस बार भी कर लेंगे बोलिए। नहीं कैसे हो जाएगा, जैसे पिछली बार हो गया था। नहीं हर बार थोड़ी ऐसा होगा, नहीं हो पाएगा। प्रशासन प्रशासन हर जगह टाइट कर दिया गया है ना, अब मान लीजिए हमेशा थोड़ी यही चीज होगा। आप कह रहे हैं योगी जी के गढ़ में काजल निषाद जीत जाएंगे? हाँ जीतेंगी। ये चमत्कार कैसे हो जाएगा भाई? जनता गोरखपुर से काजल निषाद कैसे जीत जाएंगे? जीतेंगी काजल निषाद, जीत जाएंगी। हाँ जीत जाएंगी है भैया, जीतेंगी क्यों नहीं, जनता का सपोर्ट है। और क्या, देखिए भैया इधर आइए थोड़ा, क्या कह रहे हैं भैया? कह रहे हैं योगी जी के गढ़ में, योगी जी के गढ़ में काजल निषाद बाजी मार ले जाएंगे। कहाँ बाजी मार ले जाएंगे, यही तो कह रहे हैं भाई मेरे, इतना लहर है। ओके ओके है, उन्होंने जीताना है। किशन भैया कहाँ आए बड़े ताकि झकले बा? क्यों क्यों देख लेना ना, क्यों ना देख लेगा, क्यों कोई ने देखा है? तो काजल निषाद जीत जाएंगे आपकी, उनके वोट दिया। क्या करती हैं काजल निषाद? हम क्या जाना हुआ, अच्छी है, बात बात खत्म। अच्छी है, सबको मौका देना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए, सबको मौका दीजिए। क्या कह रहे हैं चाचा आप? सबको मौका दीजिए। वो टीवी वाली है काजल? अरे ठीक है, के बिना हेलमेट वाला के घुमाता बताओ ना। अभी काजल हम लोग जिताएंगे, खुश रहो पाक जिताएंगे हम लोग। भैया क्या कह रही है? इनके कहने से नहीं हो पाएगा, बम्पर लहर है उनकी। नहीं नहीं इनके कहने से नहीं हो पाएगा, नहीं हो। आइए चाचा आइए, आप देखिए वो कह रहे हैं रवि किशन कभी ग्राउंड पे नहीं आए। नहीं, आए कहने आए हैं भाई, भाई कह रहे हैं हमारे कभी दिखे नहीं। नहीं नहीं आप देखबे नहीं, सकल ना देखल गल बात तक ले, हमन के सकल ना देखल रवि किशन। चाचा टीवी खोल ले होता तो देख ले, हमर नि जमे तो देख ले। खैर बात वो पोस्टर लगा दिया एकदम बस, हां सब पोस्टर काम चलला, हां पोस्टर काम चलला। कब आए थे? अरे जब पिछला चुनाव था तो आए थे, दिन बीच में आए थे। क्या कह रहे हैं भैया? रवि किशन ठीक नहीं है सांसद, ठीक नहीं है। क्यों? वही था, वो कभी आते नहीं है। भैया कह रहे आए थे, वो सब कहेंगे, वो सब कहेंगे भाई, वो सब वोट दे गए कहेंगे, वो सब कह रहे हैं। वो भाजपा ही है क्या? हाँ वो भाजपा ही होंगे तभी ना कह रहे हैं। आप सपाई हैं क्या? हाँ ये बात सही है। हाँ अरे वो पढ़ा लिखा लड़की है वो काजल निषाद, बहुत ज्यादा वो अच्छा नेता, बहुत अच्छा नेता, जैसे आपके तरह है वैसे वो भी है। नचनिया पदनिया है ना, हाँ उसके पैसा कमी नहीं है उसके, उसी के रवि किशन को। कभी दिल्ली में रहेंगे, कभी बम्बई में पिक्चर बनाएंगे, कहाँ आते हैं क्षेत्र में। चाचा काजल निषाद भी तो टीवी वाली है। नहीं 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 अच्छा नेता है, कलाकार है चाचा, वो भी कलाकार, पढ़ी लिखी है आपके तरह वो भी। बेईमानी ना होगा तो थोड़ा जीतेंगे, बेईमानी कर देंगे ना, बेईमानी कर देंगे ना, बेईमानी हो जाता है एकदम। अच्छा हाँ थी मेयर वाला चुनाव अच्छा नेता है वो। हाँ काजल क्या लग, क्या बढ़िया लगता है बता दीजिए काजल? यही सब देखने में सबके समाज में रहती है वो। अच्छा हाँ बेटी बहन के सबके साथ रहती है। ये हीरो कहाँ रहता, बम्बई रहता है कि दिल्ली रहता, कभी हम लोग देखे नहीं है। पता ही जीत के वही चल जाए बम्बई, कभी नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। गोरखपुर में मेयर चुनाव हुआ ना, मान लीजिए कितना वोट से हरा है, एकदम सीधे सीधे बाबा बेईमानी किए थे। हाँ एकदम सीधा। हाँ आरोप लगा रहे, चोरी का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं बेईमानी करके जीत जाते हैं। अरे आप बतियाए हम क्या जाने, आपको नहीं जानकारी है? हमको भी जानकारी है थोड़ा, बताइए क्या जानकारी है? अब क्या जानकारी है कि जो जितना बढ़िया में जाता है वही वो सोचता वो चोर है, बेईमान है, ठग है। बेईमान लोग साथ देते हैं दूसरे को, तो कौन बेईमान है कौन साहूकार है ये बता के जाइए ना। वो तो पब्लिक जाने, पब्लिक के आप भी पब्लिक है, आप बताइए।
हम तो कहते हैं कि हम लोग बाजार करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग खाते हैं अपने पैसा के। हम लोग चोर बाजारी वाला काम नहीं करते, बस इतने जानिए। कौन चोर बाजारी वाला काम कर रहा है बता के जाइए, कौन चोर बाजारी वाला काम कर रहा है? वो तो सरकार का मान, जो सरकार जाने जो 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 ये पकड़ा के जा रहा है, जो जो चीज में चोर बाजारी में जा रहा है, चाहे कुछ भी जा रहा है तो वो जाने, उसका काम जाने। हम जानने आए गोरखपुर की जनता रवि किशन को चुनेगी कि काजल निषाद? अब तो हम तो जानते हैं कि गोरखपुर में भाजपा का राज है सिर्फ, दूसरा का राज नहीं है। पिछुआ तो लोग बोल रहे थे कि रवि किशन दिखे ही नहीं, 5 साल बाद पहुंच गए बम्बई। अब बम्बई जा पिक्चर बना रहे हैं। हमको बाबा से मतलब है, रवि किशन से कोई मतलब नहीं, बाबा जी को देखना है, महाराज जी हमारे हैं तो सब कुछ है। चाहे मेयर कोई हो जाए, चाहे सांसद कोई हो जाए, विधायक कोई हो जाए, कोई मतलब नहीं, हमारे बाबा जी हैं सब कुछ है। बोलिए बोलिए। योगी जी का गढ़ है, तो योगी जी जीतेंगे कि और कोई जीतेगा? तो योगी जी थोड़ी चुनौती नहीं लड़ रहे हैं? योगी जी उनकी पक्ष के, उनकी पार्टी के लड़ रही है, भाजपा जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा यहाँ। क्यों गोरखपुर में भाजपा ही जीतेगी? अच्छा भाजपा से कौन लड़ रहा है ये बताइए? रवि किशन। तो लोग रवि किशन पे आरोप लगाते हैं कि वो क्षेत्र में आईबे नहीं करते, आए ना जाते, आए ना फोर व्हीलर से भाग जाते हैं, सुनिए, आए ना आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन है ना बाबा है ना, तो बाबा है तो सब कुछ है। क्या बढ़िया लगता है रवि? सब कुछ ठीक लगता है, मतलब भाजपा का राज है, सब कुछ ठीक है। हाँ भैया क्या कह रहे हैं? ठीक है, मोदी को दिएगा, मोदी को। अभी चाची योगी जी तारी थी, आप मोदी को? योगी दोनों आएंगे गोरखपुर में, योगी मोदी दोनों आएंगे। योगी हाँ वही जीतेंगे, योगी मोदी तो जीतेंगे करेंगे। पहली राज ऐसा है कि हर बच्चे खुश हैं उस पे, हर बच्चे खुश हैं। चोर लोग सिर्फ चोर भर वो डरा रहे हैं कि इनका का किया जाए, कैसे हो जाए, कैसे हमारा धन हो। क्या कह रहे हैं भैया? हम लोग को नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ये वही मोदी योगी राज नहीं चाहिए। कहाँ है भैया? अरे भैया बताइए, आपको क्या बताएं हम लोग? बताइए भाई, कहाँ नहीं बता रहे, वही तो जानने आए। हमें पैसा चाहिए, क्यों दे पैसा? देखा तो चाचा, 2,000 रुपया दिया गई अभी ना, और चाहे। अच्छा तो नहीं, 5,000 और दीजिए। देखिए योगी जी, खाते में पैसा पहुंचाइए तब वोट मिलेगा। आप बताइए भैया, रुक जाइए भैया, कहाँ जा रहे हैं? घर ही जाना है। मैडम जी से पूछिए, वो बताएंगे। ये आपकी मैडम है जी, बताइए भाभी, आप ही बताइए। भैया तो एकदम मस्त हनुमान जी का जो है वो तस्वीर लगाए हुए है, क्या माहौल है? बढ़िया है, सब तो ठीक ही है। नहीं मतलब चुनाव का चुनाव क्या माहौल बताइए, आप बताइए, आप बताइए, महिला हैं आप। हाँ। बीजेपी का सीट कंफर्म रहेगा। हाँ। उन्हीं के राज में और मिली रहा है, सारा मिल रहा है, बहुत कुछ बताइए आप। महिला रुकिए भैया, महिला सम्मान, ऐसे भी दुर्गा पूजा आ रहा है, बताइए। सुविधाएं मिल रही है, मतलब देवी देवी जी की पूजा करेंगे ना, तो महिला है। पहले श्री रामचंद्र जी है जो हनुमान हम वहाँ बना है, राम जन्मभूमि, पहले उनका पूजा होगा। पहले राम है तब दुर्गा है। हाँ तब दुर्गा है। क्या बात, पहले हमारे भगवान में भी, भगवान में भी नहीं, पहले ये सुन लीजिए, पहले हमारे महाराज जी हैं तब रवि किशन है। हाँ नहीं, पहले मोदी जी मेरे महाराज जी हैं, पहले मोदी जी, उनको भी नहीं जानते, पहले मेरे महाराज जी हैं। मोदी जी को भी नहीं जानते? नहीं, हम पहले इनको जानते हैं जो हमारे यहाँ गोरखपुर के महाराज जी हैं। अच्छा अब बताइए, वो महिला बता रही थी अपने मन की बात, आप महिला दबा दिए, महिला की ये सब हमको ना कहिए आप। वो तो उनको गई। वो तो जल्दीबाजी में इसीलिए भाग रही है। आप बताइए भाभी, क्या लगता है कौन सा काम बढ़िया लग रहा है आपको योगी जी का? मुस्कुराइए मत, बताइए। क्यों महिला इतना मुस्कुराती रहती है, बताती नहीं है मन की बात? क्या बताएं, मतलब उनका सब भी, सब कुछ भी अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है? लोग कह रहे हैं बाप रे बाप, इतनी महंगाई है। हाँ, महंगाई तो है, महंगाई तो कुछ ज्यादा बढ़ा दी है। महंगाई है, कैसे महंगाई है? हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है। 20 रुपया बोतल का खरीद के सब पानी पे रहे, कैसे मान ले महंगाई है? तब भैया प्यासे मर जाएं क्या? प्यासे का नल का पानी नहीं पी सकते हैं? नलवा पनिया उस लायक दे नहीं है, उस लायक जब उस लायक उसको नहीं है ना, कहाँ उस लायक है? अरे आज से 6 साल पहले क्या था? पहले आज से 6 साल 7 साल पहले क्या था? इतना विकास हुआ है, 5 साल के अंदर इतना विकास हुआ, पहले कुछ नहीं था। भाई जल्दी से 5 काम गिना दो, 5 साल का। 5 काम नौका बिहार देख लीजिए। नौका बिहार 5 साल में बना है? 5 साल के अंदर पहले कुछ नहीं था, इस समय लेक क्वीन चल रहा है, जो चलना चाहिए नदी में वो चल रहा है पोखरा में।
ये बहुत विकास है। दो दो चम्मच लाइन लगाते थे, अब गैस घर पे आ रहा है, घर पे लाके चिड़ौनी कर रही है। दाम क्या है? वही है 900-950। दीदी बताइए क्या है दाम? तो हाँ दाम तो वही है, 965 रुपए है गैस का दाम। पहले लोग जैसे गैस महंग हो रहा है, सस्ता हो रहा है, वो तो वो लोग जाने कमाई भी तो है, उस हिसाब से कमाई भी तो है। बढ़ गई क्या? बढ़ गई, जरूर बढ़ गई। चाचा कितना कमाते थे पहले? अभी पहले हम लोग लगभग 25 हम तो लेबराई किए हैं कम से कम 25 रुपया से। कौन सन की बात बता रहे हैं? अरे लगभग सन की बात बता रहे हैं आप? अरे कांग्रेस का सरकार भैया का, सोचिए सोचिए। हाँ चाचा आप बताइए, इनका तो माथा ही घूम गया। आप थोड़ा इधर आ जाइए, क्या पता कि गाड़ी वाड़ी का कोई नहीं कह सकता। क्या क्या पूछ रहा है? माहौल क्या है गोरखपुर में? गोरखपुर में तो हम लोग देख रहे हैं कि कस्बा ही है, बोलने दीजिए आप, बोलिए भैया। गोरखपुर में देखिए अभी तो माहौल अच्छा ही चल रहा है, जो भी है। ये महिलाएं कह रही है महंगाई है, महंगाई कुछ नहीं है, जैसे रेट है। देखिए पैसा के हिसाब से महंगाई भी तो है। मजूरी आज पहले हमारा था 200, अब हो गया है 500। दे बताइए इस हिसाब से महंगाई भी तो चढ़ेगी। नहीं पैसा ही के हिसाब से ना हर एक चीज़ बढ़ता है। अगर मान लीजिए आज पैसा बढ़ा है, तनख्वाह बढ़ा है, हम लोग का मजदूरी बढ़ा है, तो हिसाब से भाई सामान भी रेट बढ़ा है। 10 साल पहले कितनी थी मजदूरी? 10 साल पहले 100 रुपया था, 50 रुपया था। 50 रुपया था 10 साल पहले? और का खेत में 200 रुपया नहीं, खेत में काम करने वाले 50 रुपया था। अभी सरकारी नौकरी लगी है क्या आपकी? नहीं लगी है तो क्या आखिर मेहनत करना। आमदनी कितना बढ़ गया? मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आप बता रहे 10 साल पहले 50 रुपया था, 100 रुपया था। आमदनी कुछ नहीं बढ़ी, देखिए महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो आमदनी नहीं है। नहीं नहीं है, अभी जो सामान पहले सस्ता मिलता था, अभी 500 रुपया ले बाजार में जाइए तो एक झोरा सब्जी नहीं होगा। 20 रुपया 25 रुपया किलो चावल इतनी है, आलू है, जो कि उस समय आलू 5 रुपया 6 रुपया किलो मिलता था। तो इस हिसाब से तो महंगाई तो है ही है। तो ये जो आम युवा हैं या आम जनता जो है वो क्या राय बनाती है इन सब मुद्दों पे, महंगाई बेरोजगारी? देखिए बेरोजगारी तो बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। अगर सरकार कुछ रोजगार देती, कुछ सुविधा देती, इतना बेरोजगारी लोग नहीं मरते। सरकार रोजगार तो दे ही रही है आपको, आप ले ही नहीं रहे हैं। कौन सा रोजगार दे रही है सरकार बताइए, आप ही बताइए हमको। रहेंगे तब ना मिलेगा, पढ़े लिखे रहेंगे तब ना मिलेगा, कैसे मिल जाएगा? सरकार तो घर पहुंचाएगी नहीं, ये भी तो देखिए। आप क्या करते हैं भैया? हम मोबाइल का काम करते हैं, मोबाइल बनाते हैं। हाँ तो आमदनी बड़ी है मतलब? हाँ, बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। पहले कुछ नहीं था, अब बहुत कुछ है। पहले तो कुछ था ही नहीं, जो हुआ है अब हुआ है। सही बात है, मोदी सरकार जब से हुई है काफी सुधार हुआ है। सड़क देखिए, जो सड़क पर हम लोग चलते थे इस पर इतना गड़ा रहता था, आज आप बताइए भैया क्या लग रहा है इधर का माहौल? भाजपा भाजपा काजल ने साथ कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई नाम निशान नहीं है।